हेलो एवरीवन, जाट ऑन व्हील्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अभी ले में और मेरी लगभग 2 नाइट्स हो गई हैं, 3 नाइट्स हो गई हैं ले में, क्योंकि कल हमारा खरदुंगला जाना था क्रॉस करके नुब्रा, लेकिन खरदुंगला में हैवी स्नो का फॉल के कारण बंद हो गया था पूरा सिस्टम। और आज भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी 10 बजे के बाद वो कार को जाने देंगे, बाइक का भी कोई डिसीजन नहीं है। तो अब हम जो हमारी आइटनरी बनी हुई थी उसको हम रिवर्स कर रहे हैं। तो सबसे लास्ट में हमने करना था TSO मोरेरी लेक, लेकिन अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं स्टार्टिंग से, और लास्ट में करेंगे हुंदर और तुरतुक और अपना खरदुंगला टॉप। तो ये सब रिवर्स मैं आपको बता दूंगा रास्ते में। तो अभी का यही प्लान है, अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट करके फिर हम निकलेंगे। तो गाइस वी आर रेडी टू राइड। तो भाई मिले हैं हमें, क्या नाम है आपका? प्रदीप। प्रदीप। मेरा नाम भी प्रदीप है। तो भाई कर्नाटका से आए हैं, आपकी कौन सी बाइक है? हाँ, ये वाला। हिमालयन। ये 3 बाइक है, ये वाला और अच्छा, ये 3 बाइक हैं। कब कब चले थे आप? 18 मई को। 18 मई, 18 मई को। 10 दिन हो गया, 10-11 दिन। हाँ, तो अभी कल आप जाएंगे अपना इधर नुब्रा वैली को। चलो बढ़िया। अभी वही बता, पूरा हॉटेस्ट प्लेस है, कोल्डेस्ट। तो हाँ, तो गैंगजिंग विला से हम निकल रहे हैं अब। तो अभी भाई बता रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल मिल गया है खारदुंगला का, लेकिन ऊपर बहुत ही बर्फ मिलने वाली है, तो देखते हैं, लेकिन मुश्किल हो जाएगी। ठीक है भाई, थैंक यू, ओके बाय। तो अभी आप देख रहे हैं ले सिटी, और ये यहाँ पे सारे जितने भी आप देख रहे हैं सारे होटल्स हैं, रिसोर्ट्स हैं, होम स्टेज हैं, बहुत सारे हैं यहाँ। तो दुनिया भर के जितने आप अंदर जाते जाएंगे आपको जो कम प्राइस में अच्छे अच्छे होम स्टे मिल जाएंगे, और मार्केट में जाएंगे तो बहुत महंगे मिलेंगे भाई। इसलिए कोशिश करें मार्केट से दूर कोई भी, कभी भी आपको होम स्टे या होटल लेना है मार्केट से दूर लेना है, अंदर थोड़ा सा चाहे 2-4 किलोमीटर चलना पड़े, आपको वही क्वालिटी मिलेगी और कम दाम में हाफ प्राइस में मिल जाएगा आपको। एडवेंचर्स भाई राइड होने वाली है आज की, क्योंकि खारदुंगला में आपको बहुत ही बर्फ़ देखने को मिलेगी। कल इतनी ज़्यादा बर्फ़दारी हुई कि वहाँ पे उन्होंने बंद कर दिया था सारे व्हीकल्स के लिए, क्योंकि डेंजर हो गया था, रेड अलर्ट हो गया था, तो 4x4 को भी नहीं जाने दे रहे थे विदाउट स्नो चेन। अगर स्नो चेन है तभी आपको जाने दे रहे थे, अभी भी माइनस में है वहाँ पे सारे जा रहे हैं नुब्रा वैली, सारे नुब्रा जा रहे हैं। तो ये सब गाड़ी अब नुब्रा वैली जा रही है, कल तो बंद था, आज सभी का नंबर लगा है। जाम लग गया है यहाँ तो गाइस, ये चेक पोस्ट आ गया है कल, जहाँ पे ऊपर जाने नहीं दे रहे, बंद है, बंद है, हैवी स्नोफॉल अभी ऊपर से हो गया हूँ, साउथ कुल्लू तक जा सकते हो अगर आपको जाना है, खाली डॉक्यूमेंट का। अच्छा, अगर डॉक्यूमेंट करने के लिए जाना है तो साउथ कुल्लू तक जा सकते हो, उसके आगे अलाउड ही नहीं है, नहीं अलाउड, गाड़ी भी नहीं अलाउ कर रहे विदाउट स्नो चेन। तो वहां से चलते हैं फिर सुमरेरी, चलते हैं सीधा कहाँ से? सुमरेरी उल्टा हम करते हैं सर्किट। आप इधर फिर होते क्योंकि वहां कोई पास नहीं है, और सीधा हम उल्टा कर लेंगे ना फिर। वगैरह है वो तो वन रूट ही पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कल भी हम रुक गए थे यहाँ पे इस चक्कर नाम, अभी टूरिस्ट हेल्पलाइन पे कॉल किया है, अगर वारीला खुला हुआ तो वारीला से निकल जाएंगे हम लोग, हमारा सारा प्लान है। अच्छा, हमारी बुकिंग नहीं है इसलिए हम तो चेंज कर सकते हैं। बात
हाँ वो भी है, मैं फैमिली के साथ था तो समय का बुकिंग करना सेंसिबल है। पता नहीं था खाटूंगा दो दिन के लिए होगा, अभी इसी बार हुआ है ये इतनी स्नोफॉल, नहीं तो पहले तो नहीं। खड़े खड़े बहुत जबरदस्त स्नोफॉल शुरू हो गया था, हम लोग तो फिर निकल लिए। प्लान टू इनको तो वापस आ गया ना वारिला से, वारिला में भी तो बर्फ मिलेगी क्योंकि कल चांगला भी बंद था। चांगला बंद था लेकिन वारिला में कंपैरेटिवली कम रहता है, मैंने टूरिस्ट हेल्पलाइन पे कॉल किया है, वो चेक करके बता रहे हैं। रिस्की है फिर भी, रिस्की तो है, रिस्की है वहाँ जाना, लेकिन हम वहीं से करते हैं। वारिला मेजॉरिटी टारमैक है, हमने फ्यूल पूरा भरवा लिया अपने टैंक में भी और दोनों कैन में भी हमारा फ्यूल है। और यहाँ भीड़ देखिए नुब्रा जाने के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और ऊपर अभी एक ग्रुप जाके आया है नॉर्थ कुल्लू से, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो हमारा प्लान भी शुरू होता है, ये सारे जा रही हैं नुब्रा वैली, सब जितने भी व्हीकल हैं। तो चेक पोस्ट से हम ऊपर से घूमते हुए आ गए हैं ले मार्केट में दोबारा, और अब जाना है हमें मनाली हाईवे, और मनाली हाईवे से एक रास्ता कटेगा चुमाथांग को, चुमाथांग वाले रास्ता ही आगे जाएगा टी सोमरेरी लेक, माहे ब्रिज से हमें मुड़ जाना पड़ेगा सोमरेरी के लिए। माहे ब्रिज पे चेक पोस्ट है, वहाँ पे अपना परमिट दिखाना है, वो जमा कराएंगे परमिट, फिर वहाँ से जाएंगे। ये ले का मेन पेट्रोल पंप है, बहुत भीड़ लगती है सीजन में, एक एक घंटा लग जाता है यहाँ से पेट्रोल भरवाने में। ये है ले मनाली हाईवे, तो पेंगोंग के लिए तो यहाँ से आगे से रास्ता कटता है, 220 किलोमीटर है, हले है 257 और हमने जाना है लगभग इतना ही जाना है 250 के करीब। एक पागो जगह है, पागो सुमडो और टी एसओ मोरेरी लेक, ये सब आज देखते हैं हो जाएगा, टाइम के हिसाब से है, अगर टाइम मिला तो ये सब कुछ करेंगे। और हमारा जो प्लान बी शुरू हो गया है, प्लान बी का मतलब हम रिवर्स कर रहे हैं अपनी आइटनरी, क्योंकि प्लान ए में हमने तुतुकजा शुरू करना था और सोमरेरी पे ख़त्म करना था, लेकिन अब प्लान बी में सोमरेरी से शुरू करके तुतुक को ख़त्म करेंगे, उल्टा कर रहे हैं अब, क्योंकि इस रूट पे कोई पासिस नहीं है और वापसी में हमें फिर खरदुंगला मिलेगा, जो 4-5 दिन में खरदुंगला का पोजीशन सही हो जाएगी जब तक हम खरदुंगला तक आएंगे, नहीं तो फिर देखेंगे वारिला से आना पड़ेगा हमें। ये सब सारे प्लान है हमारे पास अभी रेडी, तो बने रहना हमारे साथ। अभी तक के ब्लॉग आपको कैसे लगे ये कमेंट जरूर करना, बहुत ही एडवेंचरस हमारा ट्रिप चल रहा है। और कारगिल से जो पदुम जंस्कार का रूट है यार, वन ऑफ द बेस्ट रूट है ब्यूटी में, बहुत ही सुरु वैली, अपना शंकु टंगदूम वगैरह, उसके बाद ये पेंजिला पास ड्रैंगडोंग ग्लेशियर सने अपना लेक, ये सारा कुछ आता है इसके अंदर, बहुत ही शानदार है, बहुत ही खूबसूरत है, देखना आप पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना, मज़ा आएगा आपको। आगे एक गेट आएगा तो वहाँ से सिंधु घाट जा सकते हैं, और उसके बाद शे पैलेस सामने है, बिल्कुल सामने है शे पैलेस, और जो रेंचो का स्कूल है वो भी थोड़ा सा आगे जाके है, हेमिस मोनेस्ट्री भी आप देख सकते हैं। इस रूट पे आप 4-5 जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं लेके देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। परसों हम घूमे थे यहाँ पे, आप ये देखना, यहाँ पे हम गए थे शे पैलेस, सिंगू घाट और शांति स्तूपा, ये तीन चीज हमने कवर करी थी, बाकी तो हमने मोस्टली कवर कर रखी है यहाँ पे लेह में। ये थिक्से मोनेस्ट्री, तो मोस्टली टूरिस्ट यहाँ भी आते हैं विजिट करने लेह में, लेह से तकरीबन होगी 15-20 किलोमीटर के बीच में थिक्से मोनेस्ट्री, हेमिस मोनेस्ट्री, ये थिक्के मोनेस्ट्री। तो आगे कारू आएगा, कारू से रास्ता कटता है, राइट हैंड को जाएंगे तो मनाली वाला रूट आ जाएगा, और शायद सीधे निकल जाएंगे तो हम सोमरेरी वाले रूट पर चले जाएंगे माहे ब्रिज की तरफ,
चुमाथांग माई ब्रिज वगैरह। तो गाइस हम पहुंच गए हैं कारू। कारू एक जंक्शन है जहां से मनाली और उपसी और पेंगोंग के लिए तीन जगह रास्ता कटता है। तो हम तो स्ट्रेट ही जाएंगे राइट को। आई थिंक ये जा रहा है मनाली को राइट से, जो अभी ट्रक गया है आर्मी का, ये गाड़ी जा रही है, ये गया अब मनाली को। हम स्ट्रेट जा रहे हैं उपसी के लिए। उपसी ये अपना चुमाथांग वाला रूट है और शक्ति वाला रूट है जो पेंगोंग को जाता है। तो गाइस हम शक्ति विलेज पहुंच गए हैं। शक्ति से वारिला पास के लिए रास्ता जाता है। अगर आप पेंगोंग जाना चाहते हैं, दो रास्ते हैं, एक चांगला पास से, एक वारिला पास से। तो ये दोनों रास्ते शक्ति से ही जाते हैं। शक्ति चांगला 33 चुमाथांग हनले चुमाथांग चुमाथांग। अब नहीं जा पाओगे सर, यहाँ रोड खराब है, बर्फ पड़ा है ऊपर, नहीं जा पाओगे। नहीं, चुमाथांग का तो दूसरा रास्ता है ना। चुमाथांग को चुमाथांग नीचे से जाना है, करू के नीचे से। करू के नीचे से जाना है। अच्छा, ये गलत रास्ता आगे, अब गलत रोड आगे। चुमाथांग यहाँ से नीचे से। अच्छा, यहाँ से तो अब पेंगोंग पेंगोंग तो नहीं जा पाओगे। नहीं, पेंगोंग नहीं जाना, हमें जाना है हनले जाना है, चुमाथांग हनले। वहाँ फिर वहाँ से जाना पड़ेगा। कारू से नीचे उतरना है मनाली वाले रूट पे। वहाँ से आगे जाके उपसी चौक मिलेगा। उपसी चौक तुमने गलत चढ़ा दिया। तुमने पूछा तो था रुक के, वो मैप लगाए कि नहीं यहाँ से। नहीं, तुमने कहा ये रास्ता जा रहा है ना उपसी को। नहीं, वो तभी तो मैंने लगवाया था मैप तुम्हें। अभी जो नीचे अब मार्केट में जो चौक है ना। हाँ हाँ, कारू कौन सा। हाँ, जो नीचे वाला रास्ता, मनाली वाला रास्ता जा रहा जो, वो तो ठीक है रास्ता है ना। हाँ, वो ठीक है सर। यहाँ तो बर्फ पड़ा हुआ है। नहीं, ये तो बंद है, हमें पता। वो वहाँ भी नहीं जाने दे रहे ना, खारदुंगला भी बंद कर रखा है। हाँ, वहाँ भी बंद कर रखा है। हाँ, ये पूरा फ्रेश कल स्नो हुआ पड़ा है। वहाँ से जो बैग आए ना मोटरसाइकिल, वो सब फंसे हुए वहाँ, उनकी हालत खराब होती है। तो हम गलत रास्ते पे आ गए, वापस कारू जाना पड़ेगा। कारू से रास्ता यहाँ उपसी को निकलता है। तो कपिल को मैंने बोला था मैप लगा ले, तो कपिल ने को ध्यान नहीं दिया कपिल ने अभी। और कारू वाले रास्ते, मतलब कि ये पेंगोंग वाले रास्ते पे हमें चढ़ा दिया शक्ति। तो कारू से अब पता चला है कि कारू से जो मनाली वाला रास्ता जाता है, तो चुमाथांग का भी वहीं से रास्ता निकलता है, थोड़ा आगे जाके उपसी को रास्ता कटता है। तो वापसी जा रहे हैं अब, 10 किलोमीटर आए हैं और 10 किलोमीटर वापस, बेमतलब की फटिक पड़ी है। तो गाइस हम पहुंच गए हैं वापसी कारू। 10 किलोमीटर गए थे और 10 किलोमीटर वापस आ गए हैं कारू में। और अब यहाँ से लेफ्ट जाएंगे मनाली वाले रूट पे, और वहाँ से उपसी का रास्ता निकलेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू नजर आ रहा है सामने, और ये बिल्कुल स्ट्रेट है, मनाली हाईवे है, ले मनाली हाईवे। और आई थिंक उपसी से रास्ता कटेगा चुमाथांग को, अभी मैं श्योर नहीं हूँ। और 10-20 किलोमीटर का हमारा फालतू का रन लग गया। उपसी अभी 5 किलोमीटर रह गया, उपसी से देखते हैं रास्ता कटेगा। तो ये रात को लगता है लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से रास्ता रोक दिया है।